जय माँ अम्बा, जय नव दुर्गा, आवो पधारो अमे द्वार। जय माँ अम्बा, जय नव दुर्गा, आवो पधारो अमे द्वार। माड़ी रे तारी, माड़ी रे तारी, माड़ी रे तारी घर भी सजावू, के होशे तारा नोर तवधावू। सूरत के लोगों को सूरती कहा जाता है और सूरती अपने आप में अलग अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं, चाहे वो खाने पीने की बात हो या फिर घूमने फिरने की बात हो। और जब नवरात्रि आती है तो सूरती गरबा डांडिया खेलने में कोई कमी बाकी नहीं रखते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग माहौल है कि कोरोना के चलते सरकार ने गरबा खेलने पर पाबंदी लगा दी है। तो ऐसे में सूरती क्या करेंगे, कैसे गरबा खेलेंगे, कैसे डांडिया खेलेंगे, और जिस त्यौहार का वो पूरे साल इंतजार करते हैं क्या कुछ इन 9 दिनों में करने वाले हैं। इसी सोच के साथ कुछ सूरतियों ने मिलकर एक गीत बनाया है और उसमें कुछ संदेश दिया है। किस तरह से गीत बनाया गया है, किस तरह का उसमें संदेश है, जिस ग्रुप ने उस गीत को तैयार किया है, गरबा को म्यूजिक के साथ तैयार किया है, प्रोफेशनल ड्रेस के साथ तैयार किया है, उस टीम के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें से एक हैं जय, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। जय, आपने अपना वीडियो किस लिए बनाया और क्या ख्याल आया कि इस तरह का वीडियो बनाया जाए, क्या संदेश है उसमें, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो जय माता जी। नवरात्रि का त्यौहार आया है और ये काफ़ी गुजरातियों के लिए एक भारी त्यौहार होता है, इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते। तो हम लोग सब मिलके फ्रेंड्स ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, कोई बोर हो रहा है, कोई कुछ ना कुछ तकलीफ़ में है, तो ऐसे में ख्याल आया कि क्यों ना इस बार नवरात्रि का आयोजन बड़े पाए नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग घर के छोटे कोने में या फिर कोई छोटी सी जगह में साथ में मिलके भी गरबा खेल सकते हैं, माता जी की आराधना कर सकते हैं। इसीलिए हमने गुजरातियों की मन की बात कि वो हमेशा मौज में रहते हैं, खुश रहते हैं, यानी वही बात को हमने लिरिक्स में यूज़ करके मौजमा रहीशो ये वर्ड यूज़ करके हमने ये गाना बना दिया। टोटल कितने मिनट का गाना है और इसमें किन किन चीज़ों को डाला है, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे गरबा खेलने जाते हैं और जब आप वीडियो में खाली एक गरबा खेल रहे हैं तो दोनों चीज़ों में कितना कुछ ध्यान रखा गया है? ये गाना अप्रोक्सीमेटली 6.25 मिनट का है और इस गाने में खास मौजमा रहीशो ये बात तो है, साथ साथ हाथ को बार बार सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करेंगे और मास्क पहन के हम लोग गरबा खेलेंगे और यही सब जो प्रिकॉशन है उसका खास ध्यान रख के हम लोग ये नवरात्रि का आयोजन, ये नवरात्रि का त्यौहार मनाएंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने बताया जय ने कि किस तरह से उन्होंने गीत को तैयार किया है, क्यों तैयार किया, और इनके साथ में जो आप बाकी लोग देख रहे हैं ये भी उस वीडियो में शामिल हैं, सबका अपना अपना एक उस वीडियो में योगदान है। और एक और है हमारे साथ, पहले तो अपना नाम बताइए और ये बताइए आपने इस गीत में क्या भूमिका निभाई है। मेरा नाम है अमी अडिया, आप सबको जय माता जी। और मैंने जय के साथ इसमें गाया भी है और एक्टिंग भी किया है, पार्ट भी लिया है। तो गाने की उस गरबा में जो कुछ गाया है आपने, एक दो लाइन हमें अगर गा के सुनाए, क्या कुछ कहा है उस गीत के अंदर? मैं गा के ही बता देती हूँ जो लिरिक्स है। मौज मारे ही शो में, मौज मारे ही शो, मौज मारे ही शो में, मौज मारे ही शो, आवे नोर तानी रात गरबे रमशु अमे यार, मोढ़े पहरी ने मास्क रमशु आज अमेरास। यही बातें हैं इस गरबे में। किस तरह से इस वीडियो को आप लोगों ने वायरल किया है, किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं आपकी वीडियो को, अभी से नवरात्रि को शुरू होने में एक दो दिन अभी बचा हुआ है, तो किस तरह से इस वीडियो को लोग देख रहे हैं? वीडियो को सब बहुत पॉजिटिवली अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि सारी बातें इस गाने में है ही, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और गरबा तो है ही गुजराती इसका, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिल्कुल, इन्होंने जो वीडियो तैयार किया उसका काफ़ी कुछ रिस्पांस मिल रहा है। और भी टीम के सदस्य कौन बात करना चाहेंगे, आप करना चाहेंगे, आप करेंगे, आप अपना पहले तो नाम बता दीजिए और बता दीजिए कि इस वीडियो से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या संदेश मिलता है और क्या कुछ भूमिका निभाई अपने इस वीडियो में। मेरा नाम जानवी ठक्कर है, जय माता जी।
मेरे पापा इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं चिराग ठक्कर, तो उनका तो मुझे बस कॉल आया कि इस बार वैसे भी नवरात्रि होने नहीं वाली है तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलेगा और तुम्हें गरबा करने का मौका मिलेगा। तो झट से मैंने मेरे दोस्तों को अप्रोच किया और सबने हाँ बोल दिया, तो वैसे ही बस शुरुआत हुई इस डांस के वीडियो की। और वही सब गरबा तो ऐसी चीज़ है कि किसी को भी मज़ा आ जाए, तो बस माता जी का नाम लेके हम सब गरबा करने निकल पड़े और सबका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। आपका क्या रोल रहा है इस पूरे वीडियो में, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहिल है, सबको जय माता जी। और मुझे लगता है कि ये शूट से हमें बहुत कुछ सीख मिली है, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग। और भले सरकार ने लॉकडाउन खोल दी हो पर हमें फिर भी हमारे लिए प्रिकॉशंस लेना चाहिए और मास्क और हाथ बारंबार सैनिटाइज करना चाहिए। हाथ ने बारंबार सैनिटाइज कर शु, सोशल डिस्टेंसिंग नु पालन कर शु, हाथ ने बारंबार सैनिटाइज कर शु, सोशल डिस्टेंसिंग नु पालन। इनका सही कहना है कि भले ही सरकार ने गरबा खेलने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन अगर आप अपने घर में भी खेलते हैं या और कहीं खेलते हैं तो किस तरह से उसमें ध्यान रखा, उसमें भी मैसेज दिया गया। आप अपना नाम बताइए और आपका क्या रोल रहा, क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर। मेरा नाम सागर सोनारा है, जय माता जी। ये वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और मैं ये वीडियो में परफॉर्म कर रहा हूँ, गरबा कर रहा हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा ये वीडियो में लगा कि अवेयरनेस हम लोग सब पूरी हमारी सोसाइटी और नेशन को हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि लॉकडाउन भले खुल गया है पर हम लोग को प्रिकॉशंस और सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आप अपना नाम बताइए और आपने इस जो वीडियो बनाया उसमें किस तरह से रोल निभाया। मेरा नाम साक्षी डिलक्स है और जय माता दी सबको। ये वीडियो में मेरा थोड़ा सा ही रोल था पर मैं इस वीडियो के रिस्पांस और पॉजिटिव रिप्लाई से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब दुनिया में पूरा कोरोना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसमें कुछ एक ऐसी अच्छी चीज़ हुई जिससे हम लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान ला सके और हम खुद खुश होके उसको दूसरों तक पहुँचा सके। ग्राउंड पे शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि गरबा सूरती लोग या पूरे गुजरात में लोग नहीं खेल पाएंगे, तो एक असल में गरबा खेलना ग्राउंड पे जाके और एक वीडियो के में द्वारा गरबा खेलना, दोनों में फर्क क्या देख रहे हो, कितना अफसोस महसूस कर रहे हैं कि इस बार आप गरबा नहीं खेल पाएंगे। अफसोस तो बहुत होता है पर सिचुएशंस देख के थोड़ा तो अच्छा लगता है कि कुछ ना होने से कुछ हुआ वो ज्यादा बेहतर है। मास्क, इस बार अगर गरबा होता तो भी मास्क सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता, पर लास्ट ईयर ऐसा सब नहीं हुआ था तो अफसोस तो होता है, पर इस बात की खुशी भी है कि हमें इसका अपॉर्चुनिटी मिली इस वीडियो में आने के लिए और हमें मौका मिला कि हम इस बार भले एक दिन के लिए या वीडियो के लिए पर गरबा तो कर सके माता जी की कृपा से। तो बिल्कुल, ये वो सूरती लोग हैं जो नवरात्रि के दरमियान 9 दिनों तक माता रानी की आराधना करते हैं, ग्राउंड पे जाकर गरबा और डांडिया खेलते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से जिस तरह से हम लोग जानते हैं देश और दुनिया में लोगों की जिंदगी बदल दी है, तो ठीक उसी तरह से इतिहास में पहली बार नवरात्रि में भी लोगों की जिंदगी बदल दी है। लोग अब गरबा जो है मैदान में जाकर नहीं खेल पाएंगे और उसी हिसाब से लोग इनके वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं गरबा का आनंद अपने घर में ले सकें, ये उद्देश्य के साथ इन्होंने एक वीडियो तैयार किया है जो खूब वायरल भी हो रहा है। कैमरामैन साहिल जगताप के साथ संजय सिंह राठौर, गुजरात तक। रंबाया वे सर की साहेलड़ी माड़ी, रंबाया वे सर की साहेलड़ी माड़ी, खड़ा हरनार गब्बर कोखवाड़ी, हे दीने दयाड़ी माड़ी, रुद्राणी पटराणी, पावागढ़े वाड़ी माड़ी महाकाड़ी, हे पगमा झांझरवाड़ी, काने कुंडलवाड़ी, हाथे कडला माथे मुगटवाड़ी, हे अष्ट भुजाड़ी, करे सिंहनी सवारी माड़ी, आरासुरवाड़ी जगदम्बा माड़ी रे मारी, पावागढ़ वाड़ी माड़ी महाकाड़ी रे माड़ी, बाने बोली ने रमे नवरात्रि, जय मां अंबा,
जय नव दुर्गा आवो पधारो अमे द्वार, जय माँ अम्बा जय नव दुर्गा आवो पधारो अमे द्वार, माड़ी रे तारी माड़ी रे तारी माड़ी रे तारी घर भी सजावो के हो से तारा नोर तवधावो, माड़ी रे तारी घर भी सजावो के हो से तारा नोर तवधावो, माड़ी रे तारी घर भी सजावो के हो से तारा नोर तवधावो, के हो से तारा नोर तवधावो, के हो से तारा नोर तवधावो, के हो से तारा